सभी दर्शकों को ऋषि पालदून का नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं बूढ़ा खेड़ा। ये जो बूढ़ा खेड़ा है, डिस्ट्रिक्ट जींद का गांव है और तहसील जोलाना लगती है। और 1 अक्टूबर को यहां बहुत बड़ा ऐतिहासिक सम्मेलन है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। पूरे मैं ये कहूँगा कि हरियाणा से यहां जो बच्चे मेरिट में आते हैं उनको पुरस्कार दिया जाएगा। और ये प्रोग्राम आए साल होता है और इन्होंने तकरीबन, ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, 100 गांव में लाइब्रेरी खोल दी बच्चों के पढ़ने के लिए। और आज हम पहुँचे हैं शिव मंदिर बूढ़ा खेड़ा में। हमारे साथ बाबा जी भी जुड़ेंगे और यहाँ के जो कार्यकर्ता है उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। 1 तारीख का इनका किस तरह का प्रोग्राम है, विस्तार से तो यही बता पाएंगे। आइए मेरे साथ दोस्तों, देखिए अभी 4 दिन से और 3 दिन आगे ही चलेंगे, बिल्कुल देसी घी का भंडारा, देसी घी के लाडू। लाडू भी बहुत रही, काफी संख्या में। फिर बताता हूँ, रोजाना और ताती इसी तरह और लाडू बोलती। साथ ही साथ अपना मनोरंजन भी करते हैं मेला। सभी दोस्तों को पूरी मीडिया की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, हम ऐसे संत के पास आ गए हैं जो त्यागी तपस्वी और किसी परिचय के मोहताज नहीं। इनका चर्चा पूरा हरियाणा नहीं, पूरा भारत में चर्चा है, क्योंकि इनका काम है शिक्षा बांटना। तो आइए आज आपको इनसे मुलाकात करते हैं, रूबरू कराते हैं। बाबा जी आदेश। बाबा जी, आप आए साल करते हो प्रोग्राम और अब की बार हमने देखा कि 4 गुना बड़ा प्रोग्राम है, तो कितनी संख्या की आशा है? देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। हाँ जी। देखो, ये जो है भारत माता शक्ति सम्मान समारोह का हमने से नाम दिया है। अच्छा जी। इसमें जितने भी लड़के लड़कियां जो 10+2 या 10 क्लास में 70% से अधिक अंक लेकर आते हैं, हाँ जी, उनको हम हर साल प्रोत्साहन के लिए उन्हें इनाम देते हैं। हाँ जी। ताकि शिक्षा में आपस में प्रतिस्पर्धा हो। हाँ जी। बच्चों में हौसला, हाँ, बढ़े। हाँ, उनमें एक दूसरे ज्यादा अंक लेने की, हाँ जी, कोशिश रहे। हाँ जी। इसी कड़ी में आज हमने जो है 204 गांव, हाँ जी, जुलाना क्षेत्र में, क्षेत्र में क्या इससे भी बाहर तक पढ़ाया, जींद जिले के कुछ, जींद जिले से बाहर के, हाँ जी, जुलाना में मतलब बेहतर आते हैं। हाँ, 204 गांव के, हाँ, जितने भी बच्चे हैं, हाँ जी, उन सब को जो है इनाम देने के लिए और 1.25 लाख आदमियों के प्रसाद के लिए व्यवस्था की है। बहुत बड़ी बात। बाबा जी, देख रहे हैं क्या आए साल आप बढ़ाते जा रहे हो प्रोग्राम को, इतना बड़ा बोझ कैसे उठाओगे आप? देखो, ये हमारा इकलो का नहीं है। हाँ जी। हमने जो है 21,000 परिवारों से कंट्रीब्यूशन किया है। 21,000 परिवारों की इसमें भागीदारी है। हाँ जी। 21,000 परिवारों से डोनेशन लिया। हाँ जी। जो हमने सब इकट्ठा करके, हाँ, उससे ये इनाम और प्रसाद बनाया जाएगा। बाबा जी, एक बार तो हम और भी देख रहे हैं, को प्लेयरों को सम्मानित कर रहे हैं, को सर्विसमैन को सम्मानित कर रहे हैं, आपने ये डिसीजन कैसे लिया? हमने जो बच्चे हैं शिक्षित उन्हीं को सम्मानित करना है। देखो, हमारा जो मोटिवेशन है, हाँ, सामाजिक सरोकार परिवार का, हाँ जी, हाँ जी, वो दवाई कमाई और पढ़ाई, हाँ जी, और इसमें भी शिक्षा को हमने इसीलिए, हाँ, लिया, हाँ,
कि जब तक युवा या हमारा वर्ग शिक्षित नहीं होगा, हाँ जी, ना वो डॉक्टर हो सकता, ना वो पहलवान हो सकता, ना वो इंजीनियर हो सकता, और ना वो कहीं पे अच्छी तरीके से अपनी परवरिश कर सकता। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए शिक्षा जो है एक ऐसा हथियार है, हाँ, अगर समस्त युवा शिक्षित हो जा, हाँ जी, तो सब शिक्षित होने के बाद पहलवान भी, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, और अगर वो समाज में रहकर अपना कार्य करेगा उसे भी अच्छे तरीके से करेगा। इसलिए शिक्षा ही सबसे पहला हथियार है जिसे हमने हर किसी को जो है इस पर ध्यान देना चाहिए। बाबा जी, आप जैसे साधु से हमने सुना है, सबसे बड़ा जो दाना नो शिक्षा का, जो इंसान शिक्षित हो गया, जो बच्चा शिक्षित हो गया, वो अपने आप सेटिंग आगे कर लेगा। तो आपने यही सोच के बच्चों को बढ़ावा दिया है? हाँ जी, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो भारत देश है, हाँ, वो संपूर्ण शिक्षित हो। हाँ जी, जब संपूर्ण शिक्षित होगा तो हाँ, विकास की राह पे आगे बढ़ेगा। ठीक। और लड़के लड़के क्या, लड़कियां अगर शिक्षित होगी तो वो दो परिवार को जो है उसका लाभ शिक्षित बनाएगी। एक वो अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ावेगी और एक जहां अपने ससुराल में जाएगी अपने ससुराल वालों को, दो परिवार को जो है शिक्षा, एक शिक्षित लड़की दो परिवारों का फायदा करेगी। और ये प्रोग्राम आपका क्या तारीख का जी? ये 1 तारीख का प्रोग्राम, 1 अक्टूबर का। 1 अक्टूबर का कहाँ पर होगा जी? ये देखो, अभी आपने देखा प्रसाद तो हम यहाँ पर बना रहे, हाँ, मंदिर में, शिव मंदिर बुड्ढा खड़ा लाठर। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से, हाँ, इसमें जो है आदमियों की भागीदारी ज्यादा होने की वजह से, हाँ, यहाँ पे इतना जो है उचित नहीं है। हाँ, इसलिए जो है जुलाना की नई अनाज मंडी में, ये जो नेशनल हाईवे पर पड़ती है, नेशनल हाईवे। ये थी हमारे साथ शिवनाथ महाराज जी, और भगवान से मैं तो यही प्रार्थना करूँगा, इन महाराज जियों को भगवान और ताकत दे, ताकि मेरा पूरा हिंदुस्तान शिक्षित हो। आदेश जी। भाई साहब, राम राम। राम राम भाई साहब। भाई साहब, इतना बड़ा भंडारा हम पहली बार देख रहे हैं अपनी नज़रों से, इसमें क्या क्या आइटम होंगे? इसमें भाई साहब लड्डू होगा। अच्छा जी। चावल होगा। अच्छा जी। दो सब्जियाँ होंगी। हाँ जी। और 5 तरह की रोटियां होंगी। ठीक है, हर एक यानी भरपूर भोजन होगा, भरपूर भोजन और पूरा शुद्ध देसी घी का। ये थे हमारे साथ जो इसके बनाने वाले थे, अभी औरों से भी बात कराएंगे। आइए मेरे साथ, देखिए हमारे साथ कुछ महिला जुड़ी हैं जो लाडू बेचने के लिए आते हैं। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? सुनीता। कहाँ से हो? बूढ़ाखेड़े से। बूढ़ाखेड़े से। कई दिन से लाडू बेच रहे जी? ये कल से बेच रहे हैं। कल से बहुत चला गया। और कई दिन चलेगा ये लाडू का काम? कई दिन चलेगा जी। कई दिन चलेगा। हाँ। आपने लाडू खा के देखा है? हाँ, देखा। कि सब बढ़िया है? बढ़िया जी, स्वादिष्ट है एकदम से, भरपूर है। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? मेरा शशि वाला। तो आप भी कल से आ रही हो? हाँ जी, कल से आ रहे हैं। और कई दिन तक बोचोगे? आगे 4-5 दिन तक। 4-5 दिन रोज आओगे? रोज आवाएंगे। रोज लड्डू बोचोगे, रोज खाओगे? हाँ, रोज खाओगे। दिवाली मन रही है? दिवाली मन रही है जी, हमारे सुरेंद्र ने मना रखी है जी। सुरेंद्र ने मना रखी है जी। ठीक है जी, ये सुरेंद्र कहाँ के हैं जी? ये बूढ़ाखेड़े के। बूढ़ाखेड़े के जी। कैसे हैं जी? बढ़िया, बहुत अच्छे लड़के, काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। काम का जमा नाम रोशन कराया क्या, बहुत गम्मा का कर रहा है, बहुत गम्मा का। इन लाइब्रेरी पर जी बहुत बच्चा को इनाम दे दिया, आरोल वादी इनाम देव है, बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है। गांव में भी कोई काम कर रहा है इसने? गांव में आरो का बोल रहे थे आप? हाँ, आरो का काम कर रहा है। पानी की समस्या है जी? आरो आया जी। अच्छा, पानी की समस्या नहीं है? ये भी नहीं है। पहले कितनी दूर जा करते पानी लेने? दूर जा करते। तो ये मौज होगी? मौज हो रही है, ये छूट गया पानी। ठीक है जी, मौज करो, रोज लो। हमारे साथ गाँव की महिला, धन्यवाद जी। आप भाई साहब, राम राम। राम राम। क्या नाम है जी आपका? कुकुल भाई, पंडित जी लजवाना कला। लजवाना कला से। और ये आपने ही बना रखा प्रोग्राम सारा? प्रोग्राम हाँ, ये मैंने बना रखा। पिछले साल भी आपने बनाया था क्या? हाँ जी, उससे पिछले साल भी मैंने बनाया था। अच्छा जी। हाँ, तो 4 साल हो लिए लगातार मैंने बना। इसमें कितने पीपी घी के लग जाएंगे? घी के लगेंगे जी 150 पीपी। इसमें 150 पीपी। हाँ जी। और आप कितने आदमी काम कर रहे हो? आदमी है जी 30 तो मानस है, 50 ये लगाई लगी हुई। और कितने आदमियों को खाना तैयार होगा उस दिन प्रोग्राम? 1 तारीख को। 1 तारीख को होगा जी, कम से कम 1.5-1.5 लाख के बीच में। दोस्तों, पिछली साल जो प्रोग्राम था उसमें बच्चों को साइकिल दिए गए थे, और अब की बार ये स्कूटरी दी जाएंगी। ये बहुत ही बढ़िया है, और काफ़ी इनके पैसे भी लगे हैं, और हर साल ये SSP बढ़ाती जा रही है प्राइजों को। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई हो, एक लाइक एक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूँ बूढ़ाखेड़ा लाठर से ऋषि पालदून। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।